हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रेया डिज़ाइन। आप सभी का श्रेया डिज़ाइन में बहुत ही स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही एक यूनिक सी वीडियो, जो कि है लड्डू गोपाल जी की पुरानी ड्रेसों के बेस पे। फ्रेंड्स, हमारे पास काफ़ी सारी कान्हा जी की ड्रेस नई नई इकट्ठी हो जाती हैं, जो कि एक दो बार पहनाने पर ही उधर जाती हैं और वो हम कान्हा जी को नहीं पहनाते। फ्रेंड्स, हमें इन्हें, कुछ लोग बोलते हैं कि हमें इन्हें गमले में दबाना चाहिए जिससे कि ये खुद ही मेल्ट हो जाएं, पर इतना भी नहीं हो पाता इतनी सारी ड्रेसों को दबाना। कुछ लोग बोलते हैं कि सिला दें, पर सिलाने से भी हमारी प्रकृति को बहुत नुकसान होता है। ना ही हमें जलाना है, ना ही सिलाना है और ना ही मिट्टी में दबाना है। हम अपने कान्हा जी की ड्रेस से बहुत ही प्यारी सी एक यूनिक चीज़ रेडी करेंगे डेकोरेशन के लिए, जिससे कि हम अपने घर को सजा सकें अपने कान्हा जी की पुरानी पोशाक से। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ले लिए हैं कुछ इसी तरीके से, मेरे पास बचे हुए पीसीस के कलर थे, इस तरीके से मैंने 3-4 कलर ले लिए हैं। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले लें। हम बहुत ही प्यारी सी अपनी एक डेकोरेशन के लिए मालाएं बनाकर रेडी करेंगे, जो कि हम अपने मंदिर में, अपने घर में, किसी भी फेस्टिवल पर यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने एक टुकड़ा लिया है ये बोर्ड का इस तरीके से, और मैंने इसको कट कर लिया है। 4.5 इंच इसकी चौड़ाई है, 4.5 इंच इसकी लंबाई है। फ्रेंड्स, बहुत इजी है। इस तरीके से आपको इसमें मार्किंग करनी है अपने कपड़े पर, जितने भी आप कलर ले रहे हैं, और इस तरीके से हमें पीसेस कट कर लेने हैं। चाहे तो आप इन्हें अलग अलग भी कट कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से जैसे मैंने जॉइंट ही कट किए हैं इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने सारे पीसेस इस तरीके से, जितने भी मेरे पास कलर थे, सारे कट कर लिए हैं। आपको इस तरीके से कट कर लेने हैं। चाहे तो आप इस तरीके से एलिफेंट भी ड्रॉ कर सकते हैं, पर वो आप छोटी ड्रेस हो कान्हा जी की, जैसे कि कान्हा जी की बलियान हो गई, कान्हा जी की पेंट हो गई, उसके लिए वो परफेक्ट है। एलिफेंट बनाकर आप इस तरीके से कर सकते हैं। तरीके से आप कान्हा जी के छोटे कपड़ों का यूज़ कर सकते हैं। आप इसे सुई से भी सिल सकते हैं, पर मैं यहाँ पर मशीन का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे इस तरीके से ये बॉक्स सिलने थे। ये देखिए, इस तरीके से हमें पूरे में इस तरीके से सिलाई लगानी है। अगर फ्रेंड्स आप चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर दबाना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें और फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखें। ये बहुत ही यूज़फुल वीडियो है। आप अपने कान्हा जी की ड्रेस से, और ना ही ये ख़राब होने वाली है फ्रेंड्स, ये सालों साल चलने वाली है, क्योंकि इसे हमने कपड़े से बनाया है, खुद से बनाया है। ये देखिए, इस तरीके से हम अपने सारे बॉक्सों को इनको सिल लेंगे और इस तरीके से इन्हें पलट लेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ये देखिए, इस तरीके से हम अपने सारे बॉक्स खोल लेंगे। आपके पास जो कलर हो आप उससे बनाइए। ये देखिए, मैंने सबको सेट कर लिया है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम जो भी हमारे पास कान्हा जी की इस तरीके से पोशाक है, इनको इस तरीके से 4 फोल्ड करेंगे और इस तरीके से रखेंगे सेट करते हुए। ये देखिए, बहुत आराम से हो जाएगा। अगर आपको इसमें कोने में थोड़ा सा भी लगता है कि ये सही से सेट नहीं हो रहा है, तो आप इसमें थोड़ी सी, या तो आप कॉटन भर सकते हैं, फाइबर भर सकते हैं, फोम भी डाल सकते हैं थोड़ी सी ऑप्शन में, और नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। ये देखिए, इस तरीके से उंगली से प्रेस करके इस तरीके से अब हमें इन्हें सिलना होगा। सिलने के लिए आप सुई का, मशीन का, किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं अपने सारे बॉक्सेस रेडी कर लूँगी। इसी तरीके से हमें सेम कान्हा जी की ड्रेसेस इसमें रखनी है और बॉक्स बना लेने हैं अपने। इससे अच्छा तरीका फ्रेंड्स क्या होगा कि हम अपने कान्हा जी की पुरानी ड्रेसेस का भी इस तरीके से अपने घर की शोभा बढ़ाने में, डेकोरेशन में यूज़ करें। सारे बॉक्सेस हमें इसी तरीके से भरकर रेडी कर लेने हैं। ये देखिए, मैंने अपने सारे बॉक्सेस रेडी कर लिए हैं कान्हा जी की ड्रेस डाल डाल के। फ्रेंड्स,
इस तरीके से हमें इसको लेना है और इस तरीके से अब हम अपने बॉक्स को सिल लेंगे। आप इसे सुई धागे की मदद से भी आराम से सिल सकते हैं और पूरा भी, आप इसे आपके पास मशीन ना हो तो पूरी आप ये सुई धागे की मदद से बना सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम इसको अंदर प्रेस कर देंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक को और इस तरीके से हम इसे सिल लेंगे। फ्रेंड्स सिल लेते हैं, आगे का आपको आगे बताते हैं क्या करना है। इसी तरीके से मैंने अपने सारे बॉक्स इससे मशीन से सिल लिए हैं, कुछ सुई धागे से भी सिले थे हमने। इसमें बहुत ही प्यारे प्यारे कलर लिए हैं जिसे हम डेकोरेट करके अपने घर में लगाएंगे तो हमारे घर की एनर्जी में भी थोड़ा अच्छा फील होगा हमें। ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर दो तरीके के मोती लिए हैं और दो ही तरीके का मिरर सीसा लिया है, एक गोल में है और एक इस तरीके से है। ये देखिए आप इस तरीके से मैंने इसको चिपका लिया है। आप फेविकोल से, फेविक क्विक से चिपका सकते हैं या फिर फेविक ग्लू भी आती है उससे चिपका सकते हैं, बहुत ही आसानी से चिपक जाएंगे ये। भाई इनको थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए आपको रख देना है। सब पर मैंने चिपका लिया है, कुछ पर नहीं चिपकाया है, कुछ पर एक साइड बस इस तरीके से बीच में सीसा लगा के इस तरीके से डॉट डॉट बना दिए हैं वाइट कलर से। ये भी काफ़ी सुंदर लगेगा, आप इस तरीके से कर सकते हैं अगर आपके पास सामान ना हो तो। बीच में मैंने छोटा सा मिरर लगा दिया है, ये आपको इजीली आपके मार्केट में मिल जाएंगे और बहुत सस्ते मिलते हैं गाइस, 5-10 रुपए में आप ये सारा सामान मिल जाएगा आपको। तरीके से मैंने अपने ये सारे बॉक्सेस सजा लिए थे, अगर आपके माइंड में कुछ और हो तो आप उसके अकॉर्डिंग भी सजा सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से बीच में यहाँ एक मिरर है पीछे की साइड और यहाँ मैंने डॉट डॉट करके यहाँ पर वाइट कलर से बिंदी लगा दी थी। अब क्या करना है, हमें एक सुई धागा लेना है, धागा हमें मजबूत लेना है फ्रेंड्स, और हमें इसे 4 बार हमने इसे पिरोया है और इस तरीके से देखिए मेरे पास यहाँ पर लेस थी, मैं इस लेस को इस तरीके से फोल्ड करूँगी 2-3 बार। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं और कोई मोती है मोटा या बड़ा तो उसको लगा सकते हैं। देखिए इस तरीके से मैंने इसको अटैच कर लिया है। अब मैं यहाँ पर सुई ले रही हूँ, सुई हमें ना ही ज़्यादा छोटी ना ही ज़्यादा बड़ी लेनी है और इस तरीके से देखिए अब हमें इन्हें सिल लेना है। देखिए फ्रेंड्स एक एक करके इसी तरीके से अपने बॉक्सेस को हम सिलना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये आ गया है ना नीचे, अब इसी तरीके से हमें ऊपर भी पूरे अपने सारे बॉक्सेस को सिल लेना है। काफ़ी कलरफुल सी हमारी ये डेकोरेशन के लिए मालाएं तैयार हो जाएंगी। ये तो फ्रेंड्स इसको हम रेडी कर लेते हैं। अब
तरीके से हमारी ये मालाएं तैयार हो जाएंगी, जिन्हें हम डेकोरेशन में यूज़ कर सकते हैं नवरात्रि पर, दिवाली पर, या किसी भी फेस्टिवल पर, या फिर आप अपने मंदिर में इनको लगा सकते हैं, विंडो पर, गेट पर, किसी भी जगह आप इन्हें लगा सकते हैं। काफ़ी सुंदर सी, इसी तरीके से आप अपने कान्हा जी की ड्रेस का एक सुंदर, सेम इसी तरीके से मैं अपनी सारी मालाएं तैयार कर लूँगी और ये काफ़ी सुंदर लगेंगी। पीछे आप इसमें ऊपर की साइड एक डोरी भी लगा सकते हैं, इसको टांगने के लिए किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको इस तरीके से एक बार ये लगा कर भी दिखा दी है, ये काफ़ी सुंदर लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, हरे कृष्णा।